हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता, तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर गॉसेस थ्योरम को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, तो आज ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड चैप्टर होगा गॉसेस थ्योरम। और इस चैप्टर में मेनली हम लोग गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर होगा जिसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। क्लियर? तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम गॉसेस थ्योरम तक पहुँचे उसके पहले हमें कुछ छोटे मोटे टर्म्स को जान लेना होगा। जो सबसे पहला टर्म आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब तक शायद तुम लोग जान रहे होगे कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि फिजिक्स जो है एरिया को एक वेक्टर के टर्म में ट्रीट करता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, फिजिक्स जो है एरिया को वेक्टर के रूप में देखता है। शायद तुम्हें शुरुआत में बहुत अटपटा लग रहा हो कि एरिया, और वो भी वेक्टर। बिल्कुल, एरिया वेक्टर ही होता है। एक सिंपल तुमको सिचुएशन बताया, वेक्टर कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के कैटेगरी में होता है? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यही रहते हो ना, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता हो, ऐसे टर्म को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक अगर हम चेंज कर देते हैं तो असर साफ दिखने लगता है, मतलब रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है और इस पर आपने सपोज करो कि फोर्स लगाया आपने 5 न्यूटन का, ये बॉडी आपका एक्सीलरेट हुआ राइट की ओर, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू से एक्सीलरेट हुआ। लेकिन जब यही फोर्स अगर सपोज करो कि अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हमने लगाया, उतनी ही फोर्स लगाया, लेकिन अब मालूम चला कि अब एक्सेलरेशन कुछ और होगा, मतलब असर कुछ और होगा, प्रभाव कुछ और होगा, रिजल्ट कुछ और होगा। इसका मतलब हुआ क्या, इस बार मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा है लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो डायरेक्शन चेंज करने से ही असर रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अब उसी प्रकार से एक सिंपल सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमें ये समझना है कि एरिया वेक्टर के रूप में हम काउंट क्यों करते हैं, फिजिक्स जो है एरिया को वेक्टर के रूप में क्यों देखता है। एक सिंपल सिचुएशन की ओर हम ले जाते हैं। मान लो ये रूम है, रूम में तुम्हारा विंडो बना होता है। विंडो किस लिए बना है, कि हमें एनर्जी मिले, चाहे वो एनर्जी लाइट एनर्जी के रूप में हो या फिर साउंड एनर्जी के रूप में हो या फिर कभी कभी हीट एनर्जी के रूप में हो। विंडो तुम रूम में इसलिए बनाए रखे हो क्योंकि हमें वहाँ से एनर्जी चाहिए। बहुत बढ़िया। सपोज करो कि ये हमारा सनलाइट है, सनलाइटर है, ये सनलाइटर इनफाइनाइट से आता है लाइटर, ठीक है, तो इनफाइनाइट से आता हुआ लाइटर एक दूसरे के पैरेलल ही हो जाते हैं जी। और सपोज करो कि ये तुम्हारा विंडो, ये देखो ये लाइटर को हम दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा सपोज करो कि कोई विंडो है। क्लियर? सपोज करा कि इसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है। अभी कितने लाइटर, कितने लाइटर इससे इंटर कर रहे हैं, तो 1 2 3 4। क्लियर है? यानी हमें एनर्जी कितना मिला, तो इस 4 लाइट रे के अकॉर्डिंग हमको एनर्जी मिला। क्लियर है? तो
तो अगर हम एनर्जी के वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। एक ऑप्शन ए हो सकता है कि इस लाइट रे का इंटेंसिटी ज़्यादा हो। यदि इस लाइट रे का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो ये लाइट रे क्लोज क्लोज होंगे, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे इस विंडो से क्रॉस कर पाएंगे, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा मिलेगा हमको। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस विंडो का एरिया हम इंक्रीज कर दें। अगर हम विंडो का एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो बहुत स्पष्ट है जी कि पहले से ज़्यादा लाइट रे जो है अब इस विंडो से पास हो पाएंगे, इसका मतलब एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ और है, एरिया के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं तो एनर्जी ज़्यादा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्या कि एरिया के मैग्नीट्यूड हमने वही रखा? सोचो, एक सिचुएशन और तुमको दिखाते हैं। अब ये इसी विंडो को केयर करना, जरा अगर हम तुम्हें समझाएं, यदि हम इसी विंडो को अब हम ऐसे कर देते, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, या यू कहें कि डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब यही विंडो है, थोड़ा सा देखिए, ये हमारा विंडो था ये। अब इस विंडो को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, समझ में आ रही बात? अगर ऐसे कर देते, एरिया हमने वही रखा है, समझो हम क्या बोल रहे हैं, एरिया हमने वही रखा है, बस केयर करो, अच्छा नहीं बना और बढ़िया बनाते हैं। ये देखिए, एरिया हमने वही रखा है, मैग्नीट्यूड हमने वही रखा है, बस अभी ये इस सिचुएशन में था और हमने इसको इस सिचुएशन में कर दिया। बहुत स्पष्ट है जी कि अब लाइट रे की संख्या कितनी हो गई जो इससे क्रॉस कर रहा है, 1 और 2। स्वाभाविक है अब तुमको एनर्जी कम प्रोवाइड हो रहा है। अगर हम इसे थोड़ा और ऐसे कर दें, लाइट रे और कम पास होंगे, एनर्जी कम मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे करते करते ऐसे ले जाएं, इस सिचुएशन में ले जाएं, तो कोई भी लाइट रे इस विंडो से होकर पास नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब एनर्जी कम होगा। तो तुम क्या समझ रहे हो कि जो हमें एनर्जी मिल रहा है वो एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड तो कर ही रहा है। मीन्स अगर एरिया का मैग्नीट्यूड हम जितना ज़्यादा रखेंगे एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमने एरिया को कांस्टेंट रखा है, एरिया के मैग्नीट्यूड को हमने कांस्टेंट रखा है, सिर्फ इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, इसके बाद भी एनर्जी जो है प्रभावित हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर सबसे मैक्स एनर्जी आपको मिल रहा था, अब इसको जैसे जैसे इसको हम ऐसे करते चले जाएंगे, अब इनसे होकर गुजरने वाला लाइट ट्रिक कम हो रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी अब आपको जो है कम मिल रहा है। और जैसे इसको ऐसे इस सिचुएशन में ले आया है तो अब इससे कोई लाइट जो है पास नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है कि कोई एनर्जी नहीं मिल पाएगा आपको। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एरिया का डायरेक्शन भी, कॉन्फ़िगरेशन भी, ओरिएंटेशन भी जो है एनर्जी को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है जी कि एरिया का डायरेक्शन भी रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। जैसा भी आपने इस सिचुएशन में देखा कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देने से रिजल्ट आपका चेंज हो जा रहा था, उसी प्रकार से हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं जहाँ एरिया के डायरेक्शन को चेंज कर देने से, ओरिएंटेशन को चेंज कर देने से रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। और यही कारण है कि फिजिक्स जो है एरिया को एक वेक्टर टर्म के रूप में देखता है जी। चलिए, अब इतना तो क्लियर हो गया है कि फिजिक्स जो है एरिया को, सरफेस एरिया को वेक्टर के रूप में ट्रीट करता है। अलग अलग सिचुएशन में आइए, यदि एरिया वेक्टर है तब तो इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन हम कैसे बताएं, समझो हम क्या करें। यदि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन हम कैसे बताएं, तो हम यहाँ से दो केस बना लेते हैं। ये है मेरा केस फर्स्ट, जहाँ हम ओपन सरफेस रखेंगे। क्या रखेंगे? ओपन सरफेस, या यू कहें कि 2D केस होगा, 2D केस, या यू कहें कि हम इसे ओपन सरफेस या प्लेन सरफेस के रूप में देख रहे हैं। प्लेन सरफेस मीन्स 2D सरफेस होगा। तब जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या होता है? अब इतना तो समझ में आ रहा है कि एरिया एक वेक्टर टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक
तो मैथ के स्टूडेंट जो लोग होंगे उसमें आपको वेक्टर पढ़ना है कैलकुलेटर, ठीक है। और उसमें तुमको बताया जाएगा कि कोई भी मान लो एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, अभी जैसा हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये मेरा रेक्टेंगल की केस है, लेंथ ए है और ब्रेथ कितना है बी है, ठीक है। तो तुमको बताया जाएगा या बहुत लोग जान भी रहे होंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए बी होगा। रेक्टेंगल के केस में एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ सीखा हुआ है 9-10 से या शायद और पहले से ही। तो जब तुम 12 में मैथ पढ़ोगे वेक्टर यूनिट तुमको बताया जाएगा कि एरिया होता है कोई दो साइड को क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, वेक्टर प्रोडक्ट करना होता है, ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है, इनमें से कोई दो साइड को इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट करना होता है। अब यही तो बात है ना कि जब कोई दो वेक्टर अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड होते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है एरिया वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर का लॉ तो यही कह रहा है, इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होना भी चाहिए। मैथ के हिसाब से भी तुम देख रहे हो कि जब कोई दो वेक्टर यदि क्रॉस से मल्टीप्लाइड होते हैं तो जो प्राप्त होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है कि एरिया जो है हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी जो है होना चाहिए। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फिज के बाद डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, याद करो 11th वाली कहानी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है कि वो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो, यानी ए के भी परपेंडिकुलर, अगर इसको वेक्टर मोड में थोड़ा दिखा दूं, ए के भी परपेंडिकुलर हो बी के भी परपेंडिकुलर हो, तो बहुत स्पष्ट है कि डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली होगा, चाहे आउटवर्ड होगा चाहे डाउनवर्ड होगा, ठीक है, नॉर्मल की ओर होगा, क्लियर, चाहे आउटवर्ड चाहे डाउनवर्ड होगा। तो हमें समझना होगा कि प्लेन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होता है, दैट मीन्स नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो। बहुत बढ़िया, अगर इसे ब्रेक करें तो क्या होगा, ए होगा ए बी साइन थीटा, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल यहां पर कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है, इंटू एन कैप, एन कैप यानी ए है हमारा नॉर्मल, अगर तुमको दिखाएं ये है हमारा नॉर्मल, चाहे आउटवर्ड चाहे इनवर्ड दोनों यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो एन कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, एन कैप किसको दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, यानी इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर को ये दिखा रहा है एन कैप, ठीक है। ए पोर्शन एरिया के मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है और ये जो है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा रहा है, साइन 91 होता है। तो बहुत स्पष्ट है कि ए हो गया ए बी और एन कैप ए रह जाता है। ये जरा देखिए, इस रेक्टेंगल का एरिया का मैग्नीट्यूड ए बी और डायरेक्शन किधर होगा, तो नॉर्मल की ओर, चाहे आउटवर्ड चाहे इनवर्ड। अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड होगा। मीन्स अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, हमें समझना होगा कोई भी प्लेन सरफेस हो, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्किल हो, प्लेन सरफेस होना चाहिए। याद रखना उस केस में एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा यही होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, या यू कहें किसका डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल या आउटवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड कोई भी ले सकते हैं। इधर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। हाँ, बस तुमको एक चीज जो ध्यान रखना है ना कि जैसे मान लो तुम कोई प्रॉब्लम बना रहे हो, तो एक ही प्रॉब्लम बनाने में अगर तुम इसको एरिया वेक्टर सेलेक्ट किए हो तो पूरे क्वेश्चन बनाने में इसी को एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं कि सेम प्रॉब्लम में
कभी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ले लिया, कभी इधर ले लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम रिपीट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन बनाने में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको सेलेक्ट करते हो कि इसको सेलेक्ट करते हो। सेम क्वेश्चन बनाने में एक कोई एरिया वेक्टर या तो आउटवर्ड या इनवर्ड पकड़ लो, पूरे क्वेश्चन बना दीजिए उसी के हिसाब से। चलिए, तो हम जो सीख पा रहे हैं रेक्टेंगल का केस लिए थे, उसी प्रकार से केयर करो। अगर मान लो ये स्क्वायर का केस होता, मान लो हमारे पास एक कोई स्क्वायर है, साइड लेंथ ए है, ओके, इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया वेक्टर को दिखाना हो, वेक्टर मोड में दिखाना हो, तो दो साइड, कोई भी दो साइड ले लिया, उसको क्रॉस कर लेते हैं ऐसे। अब इसको तोड़ोगे तो कैसा होगा, ए ए साइन 90, डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल की ओर। ये देखो, चाहे इधर ले लो, चाहे आउटवर्ड वाले को ले लो, चाहे इनवर्ड वाले को ले लो, कोई भी ले सकते हैं, इन कैप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया साइन 91, ये हो गया ए स्क्वायर इन कैप, क्लियर है। तो ये एरिया वेक्टर को आपने दिखाया, इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर को जनरल तरीके से दिखानी हो तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन किधर, नॉर्मल की ओर। एरिया वेक्टर को दिखाना हो तो उसका, उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मल की ओर। तो एक जनरल नोटेशन में भी हम तुमको दिखा रहे हैं, ऐसे चलता है जी। यहाँ भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, चाहे आउटवर्ड चाहे इनवर्ड। हम अलग अलग सिचुएशन और तुमको दिखाएं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक स्क्वायर है, साइड लेंथ, ठीक है, यानी हमारा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है। इसका एरिया का बहुत स्पष्ट है मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर होगा, क्लियर। लेकिन वेक्टर मोड में दिखाना हो तो हमने बोला दो साइड पकड़ लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, यही होगा। इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ए ए साइन 90, ये क्रॉस भी ए बी साइन, याद आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगा, तो नॉर्मल की ओर। तो यहाँ पर नॉर्मल किधर होगा, इस प्लेन का, इस स्क्वायर का नॉर्मल या तो आउटवर्ड चाहे इनवर्ड, मीन्स यानी या तो जेड एक्सिस मतलब के की ओर, अगर इनवर्ड तो माइनस के की ओर, समझ में आ रही बात। तो यहाँ दो तरीके से हम चल सकते हैं, या तो हम के कैप प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं, या तो प्लस वाला भी ले सकते हैं या तो फिर माइनस वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं 2D के केस में, प्लेन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर होना है, चाहे आउटवर्ड चाहे इनवर्ड। तो अगर हम ये आउटवर्ड है तो यानी ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन जो है के की ओर होगा। अगर हम इनवर्ड को ले रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब माइनस के को दिखाएगा। याद आ रहा है ना, एक्स एक्सिस की ओर आई कैप, वाई एक्सिस की ओर जेड कैप, जेड एक्सिस की ओर के कैप। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में से कोई ले सकते हैं, यूजर पे डिपेंड करता है। साइन 91 यानी प्लस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये के कैप रह जाएगा, समझ में आ रही है बात। अलग अलग सिचुएशन में और तुमको दिखाते हैं। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा होता, हम प्लेन सरफेस का ही केस ले रहे हैं, प्लेन सरफेस का ही केस ले रहे हैं। मान लो एक्स एक्सिस है, सपोज करो कि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, और एक मान लो कि रेक्टेंगल है, चलो इस बार लेते हैं ए रेक्टेंगल, ए और ये बी, यानी इस बार रेक्टेंगल किस प्लेन में है, तो ए है वाई जेड प्लेन में, कहाँ है, वाई जेड प्लेन में, ए है रेक्टेंगल, ऐसे ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और रेक्टेंगल ऐसे है। तो स्वाभाविक है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो नॉर्मल इधर की ओर ले सकते हैं, चाहे इधर की ओर ले सकते हैं, समझ में आ रही बात। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये हमारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तो इसका नॉर्मल इधर इधर, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर भी ले सकते हैं चाहे इधर भी ले सकते हैं। यहाँ पर एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
तो ए होगा ए बी। लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर को अगर हम वेक्टर मोड में दिखाना चाह रहे हैं तो कोई दो साइड को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट करना होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा ए बी, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो सोचो ए वाई एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस, ए मेरा प्लेन, तो अगर नॉर्मल इधर लेते हो तो आई कैप की ओर, उधर लेते हो तो माइनस आई कैप की ओर, यानी आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि प्लस माइनस आई कैप कोई भी ले लिया जाए यहाँ पर। इसलिए एरिया वेक्टर यहाँ पर आ जा रहा है साइन 91। समझ में आ रही बात, ए बी प्लस माइनस पहले दिखा दिया, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, हम एक सिचुएशन और दिखाते हैं। चलो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक सर्किल है, यहाँ यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लेते एक सर्किल है। सपोज करो कि इसका रेडियस कितनी है, आर है। तो बहुत स्पष्ट है जी कि यहाँ पर एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अरे पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अगर इसको वेक्टर मोड में दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, तो पहले उसका मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, अब उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो हमारा केयर करना ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, यही हमारा जेड एक्स प्लेन हो गया है और सर्किल मेरा इसी जेड एक्स प्लेन पे है। तो स्वाभाविक है नॉर्मल या तो ऊपर होगा या तो इधर होगा, अगर इधर लोगे तो जे कैप की ओर, नीचे लोगे तो माइनस जे कैप की ओर, यानी यहाँ पर ऑप्शन है प्लस माइनस जे कैप, कुछ भी ले लिया जाए, यानी एरिया वेक्टर यहाँ होगा प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। मिला जुला कि हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्लेन सरफेस के केस में, 2D के केस में, ओपन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस होना है, या यू कहे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है नॉर्मल की ओर होनी है, या तो आउटवर्ड चाहे इनवर्ड, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जी। लेकिन जब वही कर्व सरफेस हो जाए, चलिए के सेकंड हम आपको दिखाएं, प्लेन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर, आउटवर्ड या इनवर्ड, या यू कहे कि परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस होनी है। के सेकंड है कर्व्ड सरफेस के केस में, कर्व्ड सरफेस हो, या यू कहे कि क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, या यू कहे कि 3D सरफेस हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक 3D सरफेस, कुछ कर्व्ड सरफेस, कुछ ऐसा है कर्व्ड सरफेस है, चलिए कुछ थोड़ा से कर्व सरफेस ऐसा दिखा। मान लो यहाँ पर एक छोटा सा रीजन हमने कंसिडर किया, ठीक है, और यहाँ भी एक छोटा सा रीजन कंसिडर किया हमने। अब जरा केयर करना, इस छोटे से रीजन पे नॉर्मल इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये नॉर्मल इधर भी है, ये नॉर्मल इधर भी है, ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, ये इनवर्ड नॉर्मल हो गया, ये हमारा आउटवर्ड ये नॉर्मल है और ये हमारा इनवर्ड, इनवर्ड नॉर्मल। उसी प्रकार से इसका मतलब, इसका मतलब है कि इस पोर्शन का, इस रीजन का एरिया, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इधर लूँ या इधर लूँ, या दोनों तरफ कोई भी कंसिडर कर लो, जैसे कि हमने प्लेन सरफेस के रूप में कंसिडर किया। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता क्या है कि इसका एरिया, इसका जो है नॉर्मल, इसका इधर बन रहा है आउटवर्ड नॉर्मल, और इनवर्ड नॉर्मल इधर बन रहा है, ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ये आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, ये है इनवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो कि दोनों का आउटवर्ड नॉर्मल पैरेलल यहाँ पर नहीं हो पा रहे, एक का आउटवर्ड नॉर्मल इधर है, एक का आउटवर्ड नॉर्मल इधर है, एक का इनवर्ड नॉर्मल इधर है, एक का इधर है, ये पैरेलल नहीं हो पा रहे, दोनों इनवर्ड नॉर्मल पैरेलल नहीं हो पा रहे, ये दोनों आउटवर्ड नॉर्मल पैरेलल नहीं हो पा रहे, जिस प्रकार से प्लेन सरफेस के केस में हो रहा था। जैसे मान लो ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, कोई भी प्लेन सरफेस हो, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर जो नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल हो रहे थे सब एक दूसरे के पैरेलल हो रहे थे, यहाँ पर भी हर पॉइंट पर
जो इनवर्ड नॉर्मल हो रहे थे, वो सब के सब पैरेलल हो रहे थे। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या तुमको दिख रहा है, यहाँ पर हर पॉइंट पर अगर तुम तो देखोगे तो आउटवर्ड नॉर्मल पैरेलल नहीं हो पा रहे हैं, साथ में इनवर्ड नॉर्मल भी पैरेलल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए 3D के केस में, कर्व सरफेस के केस में तुमको ध्यान रखना चाहिए कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल को ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल को ही कंसीडर करते हैं, इनवर्ड नॉर्मल को नहीं। यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। समझो हम क्या बोल रहे हैं, अगर क्लोज सरफेस होगा, कर्व सरफेस होगा, तो ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ और केवल सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होना है। जबकि प्लेन सरफेस का केस अगर है तो वहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम नॉर्मल की ओर वहाँ भी लेना है, चाहे आउटवर्ड नॉर्मल ले सकते हो, चाहे इनवर्ड नॉर्मल ले सकते हो। मीन्स अगर हम कहें कि कोई एक कर्व सरफेस हमारे पास, मान लो सपोज करो कि ये स्फीयर है, ठीक है, अब ज़रा बताओ कि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिया जाए। तो हम कहते हैं कि ये तो कर्व सरफेस है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होता है। ये देखो, ये आउटवर्ड नॉर्मल की ओर ऐसे दिखा दे, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ज़रा केयर करना, ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है कर्व सरफेस के केस में। उसी प्रकार से कुछ सिचुएशन हम आपको और दिखाए। चलिए, अगर मान लो हमारे पास कोई क्यूब हो, चलो क्लोज सरफेस के रूप में 3D, कर्व सरफेस एक क्यूब। सपोज करो कि सबका साइड लेंथ कितनी है, a है, क्लियर। इस पोर्शन का एरिया अगर हम इसको कहें x एक्सिस है, ये कह लें y एक्सिस है, इसको कह लें हम z एक्सिस है, यानी i कैप, j कैप, k कैप, समझ में आ गई बात। तो अगर इस वाले फेस का अगर हम एरिया a1 कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर मोड पे, पहले जरा वो भी देख लेते हैं। क्या करोगे, ये तो स्क्वायर बन जाएगा, तो a डॉट a यानी a क्रॉस a हो जाएगा, ये भी a, ये भी a, एक स्क्वायर बन रहा है। तो हमने क्या बोला, दो साइड को क्रॉस कर देना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना होता है, यही होगा। इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, a साइन 90। डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल की ओर, नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल की ओर, तो आउटवर्ड नॉर्मल तो ये बनेगा, क्लियर है, आउटवर्ड नॉर्मल ये बनेगा, क्लियर है। नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर आई कैप प्लस आई कैप की ओर, प्लस आई कैप की ओर होगा, यानी a स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। अगर हम इस फेस की बात करें, अगर इस फेस की एरिया को अगर हम a2 कहते हो, तो यहाँ a2 को तुम कैसे दिखाओगे, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा, a क्रॉस a, यहाँ भी ब्रेक किया तो वही कहानी, a साइन 90। बस इसके लिए नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा कर्व्ड सरफेस के केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड नॉर्मल की ओर, तो आउटवर्ड नॉर्मल तो ये हो जाएगा ना, इधर की ओर होगा, माइनस आई कैप की ओर होगा, ए यहाँ पर माइनस आई कैप, ए और ए के बीच का एंगल 90, यहाँ पर भी यानी ए हो जाएगा, अगर इस प्रकार से अगर वेक्टर मोड में दिखाना हो तो। अच्छा, इस फेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, ये जो नीचे वाला जो फेस है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, ये जो मेरे तरफ ये जो फेस है यहाँ नॉर्मल इधर, ये जो पीछे वाला जो फेस है उसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, आउटवर्ड किधर होगा, अंदर। कहानी समझ में आ रहा है, ये तरीका जी। क्लोज सरफेस के लिए अगर हम बात करें, अगर मान लो सिलेंडर हो, चलो ये सिलेंडर है, अब इसके लिए एरिया इधर, इसके लिए एरिया नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल की ओर, आइए जो बाहरी जो फेस है इधर, ये जो बाहरी जो फेस है उसके लिए नॉर्मल ए, नॉर्मल ए, नॉर्मल ए, नॉर्मल ए, आउटवर्ड नॉर्मल ए, आउटवर्ड नॉर्मल ए, समझ में आपकी बात ना, बहुत बढ़िया।
तो इस तरीके से हम लोग जो कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं कि प्लेन सरफेस हो, कोई भी प्लेन सरफेस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो और कोई शेप साइज का हो, मैटर नहीं करता है, अगर प्लेन सरफेस है, ओपन सरफेस है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस होता है, मतलब नॉर्मल की ओर होना है, चाहे आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल। उसी प्रकार से अगर तुम्हारा क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है नॉर्मल की ओर ही होना है, बस फर्क क्या है कि आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होना होता है जी। तो इतना तो आज के चर्चा परिचर्चा से स्पष्ट हो गया कि एरिया फिजिक्स जो है एरिया को एक वेक्टर के रूप में ट्रीट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको डिनोट करते हैं फाई ई या सिंपली फाई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब उसी प्रकार से एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जब हम लोग मैग्नेट सेक्शन देखने लगेंगे तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से या सिंपली फाई से, हालांकि ज़्यादा हम इसको ही यूज करने वाले हैं। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पर पढ़ते हैं और फ्लक्स की बात करते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात कर रहे हैं, फिर जब मैग्नेट सेक्शन में जाओगे और वहाँ पर जब फ्लक्स की बात होने लगेगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं लेकिन हम इस नोटेशन को ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला चीज तो तुम ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी। स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी, एनर्जी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने वाला एक टर्म है। सबसे बड़ी बात कि फ्लक्स का क्या मतलब होता है। फ्लक्स प्रवाह, मीन्स फ्लक्स मीन्स फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ सम काइंड, फ्लो ऑफ सम काइंड, फ्लक्स प्रवाह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे फ्लक्स का मतलब क्या, प्रवाह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रवाह से, यही तो बोल रहे हैं। अब तुमको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा बोल रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, यानी इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। बहुत बढ़िया जी, अब आते हैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एग्जैक्ट डेफिनेशन की ओर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन कहता क्या है, केयर करो। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हालांकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच पासिस थ्रू एनी पर्टिकुलर रीजन और सरफेस, एनी पर्टिकुलर रीजन और सरफेस। नॉर्मली एक वर्ड यहाँ पर ला रहे हैं, नॉर्मली, ठीक है। पहले नोट करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर सरफेस, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
क्रॉस कर रहे हैं, चाहे इंटर कर रहे हो चाहे लीव कर रहे हो, उनकी जो गिनती होगी, उनकी जो संख्या होगी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मीन्स सपोज करो कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस की हुए अमाउंट का। हमने आपको बताया कि इनके लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड होता है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे, या निगेटिव चार्ज है तो अंदर आ रहे होंगे। जैसे मान लो अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग कैसे दिखा रहे थे, ये इनकमिंग के रूप में दिखा रहे थे इनफाइनाइट से चार्ज की ओर, अगर तुमको याद आ रहा हो तो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो, क्रम से वो भी ऐसा दिखा रहे थे रेडियली इनवर्ड। पहला नंबर तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जी, क्लियर है। ऐसा कहीं नहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ लाइन्स बाहर की ओर आ रहे होंगे, या निगेटिव चार्ज के लिए लाइन्स अंदर की ओर आ रहे होंगे, ऐसा तो कहीं कुछ है ही नहीं, मनगढ़ंत सी बात है। फिर भी मान लो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर रीजन है या कोई पर्टिकुलर सरफेस है, हम तुमको एक सिचुएशन के रूप में तुमको दिखाएं, कोई एक पर्टिकुलर रीजन, कोई एक पर्टिकुलर सरफेस हमारे पास है, तो समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास, मान लो यही कोई पर्टिकुलर सरफेस है, यूं समझ में आ रही बात, ये पर्टिकुलर सरफेस है, यहाँ भी कोई एक पर्टिकुलर सरफेस है, चलो कोई भी शेप का हो, मतलब नहीं है कि सर्किल के रूप में हो, कि रेक्टेंगल के रूप में हो, कि स्क्वायर के रूप में हो, उससे मतलब नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, चाहे ये देखो पास कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, या कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर आ रहे हैं, वो मतलब नहीं है, नंबर की हम बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर सरफेस से, किसी पर्टिकुलर रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, चाहे बाहर निकल रहे हैं चाहे अंदर को आ रहे हैं, उनकी जो नंबर होगा ना, उनकी जो संख्या होगा, उसी को फ्लक्स कहते हैं। यानी इस सिचुएशन के लिए यहाँ पर कितने लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं, एक तो फ्लक्स का मान होगा 1, यहाँ पर भी फ्लक्स का मान कितना होगा 1, क्लियर है। अगर मान लो रीजन कुछ ऐसा होता, ऐसा होता, अब बोलो यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है क्रॉस कर रहे हैं, कितना 2, यानी फ्लक्स का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। हम तुमको आगे समझाएंगे कि यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स को हम लोग प्लस के रूप में देखते हैं, और यदि किसी पर्टिकुलर रीजन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर को आ रहे हैं, ये देखो अंदर को आ रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं, तो फ्लक्स को हम लोग वहाँ पर माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा होगा कि यहाँ पर फ्लक्स हम क्या बोलें, -2 बोलें। जैसे ही हमने फ्लक्स माइनस में देखा, हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस रीजन को अंदर की ओर आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी पॉजिटिव में रिप्रेजेंट है तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है उस रीजन से बाहर निकल रहे हैं। खैर, बाहर निकल रहे हैं या अंदर को आ रहे हैं ये मैटर नहीं है, बस मतलब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फ्लक्स प्रवाह, प्रवाह किसका प्रवाह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रवाह है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को डिटरमाइन करते हैं, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमको एनर्जी भी पता चलता है। अगर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कम मिल रहा होगा। यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू 2 है, माइनस को छोड़ो, माइनस क्या इशारा कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर को आ रहे हैं, बस। तो ज़्यादा लाइन्स यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रीजन को ज़्यादा मिल रहा है, समझ में आ रही बात। छोटा खिड़की है, कम लाइट रे आए, आपको एनर्जी कम मिला। थोड़ा विंडो अगर बड़ा है, ठीक है, तो ज़्यादा लाइट रे आपको मिले, ज़्यादा लाइट रे मिले इसका मतलब है ज़्यादा आपको एनर्जी मिल रहा है,
तो तुम समझो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर तुम उसको सनलाइट रे के रूप में अगर तुम देखो तो अगर ज़्यादा सनलाइट रे अगर क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा आपको एनर्जी जैसे वहाँ पर मिल रहा था, तो उसी प्रकार से आप समझ लो कि अगर यहाँ पर ज़्यादा अगर तो तुमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर क्रॉस हो रहे हैं, फ्लक्स ज़्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली जो है ना एनर्जी के स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला टर्म है। जिस रीजन के लिए, जिस सरफेस के लिए फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका मतलब है उस रीजन में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा चल रहा होगा। तुमको समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो हम कहते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉस करके बाहर निकल जाए या फिर बाहर से अंदर की ओर आए, उससे मतलब नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ रही बात, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर सरफेस से होकर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर को जा रहे हैं या फिर अंदर को आ रहे हैं, बस गिनती गिन लीजिए, उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी वही होगा। आइए हम सिचुएशन तुमको दिखाते हैं। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएशन, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड भी दिखाते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहां पर कोई एक हमारे पास प्लेन सरफेस है, चलिए मान लो स्क्वायर ही है, अरे कोई भी प्लेन सरफेस ले लो यार, ये मैटर नहीं है, चलिए तुम चाहो तो इसे ही ले सकते हो, कोई बात नहीं। सपोज करो इसका एरिया कितना है, ए है, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल वही सिचुएशन आ रहा है कि सनलाइट रे है, हमने बोला नहीं आज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये विंडो है, तो हमने बोला कोई प्लेन सरफेस है, बिल्कुल सिचुएशन वही चल रहा है। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, कितने क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ वन टू, सिर्फ यही दो क्रॉस कर पा रहे हैं, चाहे बाहर निकल रहे हैं या फिर सरफेस को अंदर की ओर आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं। क्लियर है यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, टू, यूनिट क्या होगा बाद में देखेंगे। बस हमें, हमसे पूछा गया कि इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हमने बस बोला कि इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, हमने बस देखा कि यही दो क्रॉस कर पा रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि सरफेस के लिए फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, टू होगा। क्लियर है, लेकिन एक सिचुएशन और केयर करो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर दें, हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये जानना चाह रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्लोज क्लोज आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रांग होना, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइन्स जो है अब पहले के कंपैरिजन में क्लोज क्लोज आ जाएंगे। चलिए क्लोज क्लोज आ गए, ठीक है, यही यही प्लेन सरफेस है, यही प्लेन सरफेस, यही प्लेन सरफेस है, एरिया का मैग्नीट्यूड अभी हमने वही रखा है, वही उसी ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, उसी ओरिएंटेशन में ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, मतलब यही हुआ, अरे वाह, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन सरफेस है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, लेकिन एक चीज़ तुमको बता दूँ, एक क्लू बता दूँ कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जनरली हम लोग सेलेक्ट करते हैं जनरली, लेकिन आपके पास छूट है कि आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच यहाँ अगर हम देखें तो थीटा का वैल्यू कितना चल रहा है, जीरो चल रहा है। हम वही प्लेन सरफेस उसी कॉन्फिग्रेशन के साथ लाए हैं, अभी भी वही है, एरिया भी वही है, कॉन्फिग्रेशन भी वही रखा है, डायरेक्शन भी वही रखा हुआ है, यानी अभी भी
ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की और आउटवर्ड, यही की ऐसे दिखा सकते एरिया एक ऐसे दिखा दो, या फिर यहाँ एन कैप भी लगा देते हैं जैसे अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बस क्या हुआ कि हमने बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्ट्रॉन्ग किया, तो इससे हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज आ गए। अच्छा क्लोज क्लोज आ गए, बहुत स्पष्ट है जी। अब अगर हम तुमसे कहें कि इनके लिए फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का मतलब क्या है, किस पर्टिकुलर रीजन से कितने लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने क्रॉस कर रहे थे, गिनती गिना 1 2 3 4 5, यानी फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ भी थीटा का वैल्यू कितना चल रहा है, 0। थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे प्लेन सरफेस जिस कॉन्फ़िगरेशन में था, जिस ओरिएंटेशन में था, बस अभी भी वही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो गया है तो फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज आ गया, तो स्वाभाविक है फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाता है यहाँ पर। अब थर्ड केस तुमको दिखाएं, इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, या यू कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब तो यही हुआ। और हो भी क्यों ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रांग हो रहा है, फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज आएंगे, स्वाभाविक है इस पर्टिकुलर रीजन से पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे होंगे। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहीं कुछ नहीं, अरे फील्ड लाइंस ही नहीं होते हैं तो क्रॉस करने की क्या बात होता है, इमेजिनेशन है बात और कुछ नहीं होता है। अगर हम थर्ड सिचुएशन तुमको दिखाएं जिसमें अब हम कर क्या रहे हैं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब पहले ऐसे था, ऐसे था ना, अब इसको ऐसे कर देते हैं। कैसे दिखाऊं सिचुएशन को, पता नहीं अच्छे से बना पाएंगे कि नहीं, चलो कैसे दिखाया जाए, चलो ऐसे दिखाते हैं, भावनाओं को समझोगे फिर, ठीक है। ऐसे ऐसे था, ऐसे करते, स्वाभाविक है एरिया वेक्टर नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर ये एरिया वेक्टर हो गया। यहाँ पर सपोज करो कि ए एंगल कुछ न कुछ बन रहा है थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 था, इस एंगल को भी थीटा बोल दिया, पहले था इस सिचुएशन में, अब इसके ओरिएंटेशन को चेंज किया, यूं कर दिए, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर की ओर, इनके बीच का एंगल कितना चल रहा है, थीटा चल रहा है। तुम समझ सकते हो कि ऐसे था तो फ्लक्स सबसे मैक्स रहा होगा, ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे। अब जैसे जैसे मतलब थीटा भी 0 है, ई इधर, ए इधर, थीटा 0, अभी इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे इसको तुम ऐसे करोगे, एरिया वेक्टर, ये देखो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे तुम यहाँ पर एंगल बढ़ाओगे, इनसे होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या घटेगा क्या, समझो। इस सिचुएशन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे मैक्स था, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 था। अब तुम जैसे जैसे इसको तुम घुमाना शुरू करोगे, मतलब ई और ए के बीच का एंगल बढ़ना शुरू होगा, अब इनसे होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के संख्या धीमे धीमे कम होगा, इसका मतलब है कि फ्लक्स का वैल्यू घटेगा। और जैसे ही इसको तुम इस सिचुएशन में ले आओगे, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, इनके बीच का एंगल 90, बहुत स्पष्ट है कि अब इस रीजन से होकर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि उस केस में फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, सबसे मिनिमम फ्लक्स मिलेगा, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और सबसे मैक्स फ्लक्स कब मिलता है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो, बहुत स्पष्ट है सिचुएशन, समझो। अगर ऐसे रखा हुआ हमारा सरफेस, तब उस केस में ई और ए सेम डायरेक्शन में होंगे, तब उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इससे जो है इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्रॉस कर पाएंगे, इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा,
और जैसे जैसे ई और ए के बीच का एंगल हम बढ़ाते जाएंगे, इनसे होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या कम होता जाएगा, मतलब फ्लक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और जैसे ही इसको हम इस सिचुएशन में ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर, एरिया वेक्टर यूं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तब उस केस में इनसे होकर कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? 0। सबसे मिनिमम फ्लक्स तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना हो? 90 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? तो हमने बोला कि इस एरिया वेक्टर के नॉर्मली, इस प्लेन के नॉर्मली, इस प्लेन के नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो क्रॉस कर रहे थे, इसलिए हमने बोला फ्लक्स का वैल्यू 2 होगा। सिचुएशन ऑफ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्ट्रॉन्ग कर दी। अब हम बोल रहे हैं कि इस प्लेन के नॉर्मली कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे थे? गिन दिया, फ्लक्स 5 हो गया। अब जरा यहाँ पर बताओ कितना हो रहा है? तो 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कितना है? 4। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, इससे तो ये भी स्पष्ट है कि फ्लक्स थीटा पर भी डिपेंड करता है, थीटा 0 फ्लक्स तेज, देखो थीटा चेंज हुआ, फ्लक्स भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन पर डिपेंड करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई या सिंपल फाई से हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ पर डिपेंड करना चाहिए? एक तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, और एक इनके एरिया पर भी डिपेंड करना चाहिए। अगर हम इसका सरफेस का एरिया बढ़ा दें, अरे यार एरिया बढ़ा दें, तो स्वाभाविक है कि अब इससे जो है ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस गुजरने लगेंगे, फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर विंडो का अगर हम एरिया बढ़ा दें तो ज़्यादा सनलाइट जो हमको मिलने लगेगा, ज़्यादा एनर्जी मिलने लगेगा, यानी एरिया पर भी डिपेंड करता है, साथ में इसके कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर के कॉन्फ़िगरेशन यानी थीटा पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये क्यों पढ़ा एरिया वेक्टर को हमने? फ्लक्स को समझने के पहले एरिया वेक्टर क्यों पढ़ रहे थे? समझ में आ रहा है इनसे कि इस पर्टिकुलर रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे? यहाँ तो हम कह रहे हैं कि भाई इसके एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड तो करेगा ही करेगा जी। हम कह रहे हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करेगा, इनके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। आपने इस प्लेन सरफेस को कैसे रखा हुआ है, किस ओरिएंटेशन पर रखा है, किस कॉन्फ़िगरेशन पर रखा है, किस एंगल पर आपने रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन तीन चीज़ पर डिपेंड करनी है। फॉर्मूले की वो थोड़ा हम जाना चाह रहे थे, समझो। अब हम लोग एक फॉर्मूले की वो जाना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो किसी सरफेस के नॉर्मली कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो ये समझो, ये एंगल कितना है? थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नॉर्मली कितना होगा? समझ रहे होगे तो तू बोल दोगे ई कॉस थीटा। क्या बोल रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नॉर्मल के डायरेक्शन में कितना होगा? ई कॉस थीटा। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा मीन्स फाइज वस्तु होना चाहिए ई डॉट ए, याद है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। कह सकते हैं क्या? और समझ में तो ये भी आ रहा है जी, क्या यहाँ थीटा किनके बीच का एंगल है? थीटा ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तुमको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो तुम थीटा देख रहे हो एक्चुअली वो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। फिजिक्स का जो नियम कहता है कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी दो वेक्टर अगर डॉट से मल्टीप्लाइड है तो जो प्राप्त होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है,
अगर हमसे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा, तो इसका कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है और एक वोल्ट पर मीटर भी होता है। याद करो, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, या मीटर मीटर कट गया तो एक यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर। कितना आसान है यहाँ पर यूनिट निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो दो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या फिर वोल्ट मीटर। स्पष्ट, यहाँ लिखते यूनिट ना जी, ओहो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, या इसी को हमने बोला वोल्ट मीटर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, कहने का मतलब क्या है कि अगर नेट फ्लक्स तुमको निकालना हो तो जैसे स्केलर में होता था, सिंपल उनको ऐड कर देना होता है। जैसे अगर हम कहें इस रीजन के लिए फ्लक्स है ∅1, इस रीजन के लिए फ्लक्स है ∅2, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे सिंपल टोटल फ्लक्स होगा ∅1 = ∅2। समझ में आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब हमारा यही है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्स कब होगा, जब समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही होता है, कोई भी रीजन हो, ये देखिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर इस सिचुएशन में रखा है, हम पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, अगर इस सिचुएशन में रखा हुआ है एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो बहुत स्पष्ट है जी कि उस सिचुएशन में इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर पाएंगे, यानी फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी फाइव मैक्स कितना होगा, तो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0, यानी ई ए कॉस 0, कॉस 0 1, यानी मैक्सिमम फ्लक्स होता है ई ए, और ओ भी कब, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब बोर्ड लेवल में मान लो तुमको क्वेश्चन ही दे कि एट व्हाट कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, या फिर व्हेन प्लेन सरफेस इज, ऐसे रखना है, किस कंडीशन में फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, तो हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यही एरिया वेक्टर, उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 हो, ऐसे ही बोलो। एट व्हाट कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो हम क्या जवाब देंगे कि व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। मिनिमम फ्लक्स कितना होगा, अरे मिनिमम फ्लक्स के लिए इसको याद आ रहा है, ऐसे रखना होगा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनके बीच का एंगल 90, तब उस केस में इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं कर पाते, यानी फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, यानी फाइव मिनिमम के लिए थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, तो ई ए कॉस 90 हो जाता है 0, यानी फ्लक्स हो गया 0, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करेगा, यानी मिनिमम फ्लक्स होगा तब जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये सब सिचुएशन आप समझ रहे हो, मेनली आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो किसी पर्टिकुलर रीजन से होकर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, चाहे इनकमिंग के रूप में चाहे आउटगोइंग के रूप में, बस गिनती गिन लो, फ्लक्स का वैल्यू वही होना चाहिए। लेकिन अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये है आज के लिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट, एक सर्कुलर प्लेन शीट है, उसका रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10^-1 मीटर। एक सर्कुलर प्लेन शीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5×10^5 न्यूटन पर कूलम्ब। आराम से समझो, बनेगा क्वेश्चन से, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। समझो, एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक, ऐसे दिखा दो, ये सर्कुलर प्लेट, नहीं बढ़िया बना,
फिर से बढ़ा दें, ए सर्कुलर प्लेट, इसका रेडियस आर है 10 सेंटीमीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री पर है। ये मान लो अच्छा इसका एरिया वेक्टर ए हो गया ना, एरिया वेक्टर नॉर्मल की हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ए 60 डिग्री बना रहा है, यानी ए एंगल 60 डिग्री होगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना होगा क्या बोल रहा है। ये जो सर्कुलर प्लेन शीट है, ठीक है, ये जो सर्कुलर प्लेन शीट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल पे है, तो स्वाभाविक है कि ए एंगल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल पर रखा गया है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर के साथ ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री होना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स के लिए डेफिनेशन क्या कहता है, ईए कॉस थीटा, ई डॉट ए बहुत स्पष्ट, एरिया पाई आर स्क्वायर, अरे सर्किल है एरिया पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा 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 30 डिग्री, कौन सा थीटा, ई और ए के बीच का एंगल, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब सब वैल्यू यहाँ पर रख दो, ई 5 × 10⁵ पाई 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 10⁻²² स्क्वायर हो गया, कॉस 30 √3/2, सबको रख के जब हमने सॉल्व करा तो ये हम लोग का आंसर आ जाता है 1.36 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ये देखिए 6i + 3j + 4k, तुमको बताएं कि आई जे के में वैसे तो नियम कहता है कैप ही लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छूट मिला हुआ है कि यहाँ पर तुम एरो से भी कान चला सकते हो, अपना आदत इसी पे बना हुआ है, आई कैप से ही दिखाने का सही नियम है, लेकिन आई जे के केस में आपको छूट मिला हुआ है कि आप कैप ना दिखाकर सिंपल वेक्टर का भी आप यूज कर सकते हो। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से काम करा, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 6 N/C का है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 3 N/C का है, और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 4 N/C का है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया, 20 यूनिट है, इसका मतलब है कि मीटर स्क्वायर में है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये पता नहीं। तो कह रहा है कि क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। अब पूरा सिचुएशन समझ लो, चलिए समझो, मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास सरफेस है, एरिया दे रखा है, ये वाई जेड प्लेन में है। सरफेस कोई भी शेप में लो, हमको फ्लक्स में एरिया से मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ई ए कॉस थीटा, ए उस सरफेस का एरिया से हमें मतलब है, वो सरफेस किस शेप में है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि एक हमारे पास कोई भी शेप, यही मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है, इसी का एरिया दे रखा है 20 यूनिट, और कह रहा है कि ये सरफेस वाई जेड प्लेन में है जी, समझो वाई जेड प्लेन में है, ऐसे दिखा दो अच्छा लगेगा थोड़ा, वाई जेड प्लेन में है। तो कह रहा है इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस सरफेस से होकर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे, यही चाहिए हमें, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, के कैप की ओर, ठीक है, जेड एक्सिस की ओर, ठीक है, यानी एरिया का मैग्नीट्यूड 20 यूनिट,
लेकिन अगर इसको वेक्टर मोड भी दिखाओगे तो कहते हो इसका पहले मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन प्रोडक्शन किधर होगा, के कैप की ओर। अरे भाई इसका एरिया वेक्टर प्रोडक्शन क्या होगा, नॉर्मल की ओर ना, ओ आई कैप की ओर होगा ना, ये वाई है, जेड है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, आई कैप है, सॉरी। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमने कैसे बताया। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है ई टॉर्च है, ठीक, ई वैल्यू लाओ। अब बोल रहे हैं ना कि एरो देने का मेरा आदत पड़ा हुआ है, अब इस उम्र में आदत ना बदलो, डॉट ई कैप लिख दूँ 20, अरे एरो लिख दूँ, अरे कैप भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई कॉफिशेंट, आई कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस जे कॉफिशेंट, जे कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस के कॉफिशेंट, के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ओके यहाँ आई कॉफिशेंट 6, यहाँ पर आई कॉफिशेंट 20, मल्टीप्लाई हुआ तो 120। अब चूंकि एरिया यूनिट में बोल रहे हैं, पता नहीं सेंटीमीटर में है कि मीटर में स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ पर यूनिट ही लिख दो, क्लियर है। चलिए और जल्दी जल्दी से छोटे छोटे दो क्वेश्चन और लेंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर होगा थर्ड, और कह रहा है कि एक सर्कुलर सिलेंडर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, एक सिलेंडर, ये सिलेंडर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है, ई एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सिलेंडर इज जीरो। हमें दिखाना है कि इस पूरे सिलेंडर के लिए हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर के लिए कितना होगा, जीरो। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस के पैरेलल है, सिचुएशन ये बोल रहा है, तो इस सिलेंडर के लिए फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। सोचो ये है 3D सरफेस, ये है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ये है कर्व सरफेस, समझ में आ रहा है। चलिए सपोज करो कि इस पोर्शन का एरिया है A1, इस पोर्शन का एरिया है A2, तो स्वाभाविक है कि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, स्पष्ट है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होता है, और ये जो बाहरी सरफेस है आउटवर्ड नॉर्मल यही बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल यही बनेगा, समझ में आती बात, यानी इसके एरिया को जो बाहरी जो फेस है सिलेंडर का, बाहरी जो सरफेस है उसके एरिया को हमने बोल दिया A3, डायरेक्शन तो नॉर्मल की ओर होना ही है, बहुत बढ़िया। तो इस रीजन के लिए जो फ्लक्स है उसको ϕ1, इस रीजन के लिए जो फ्लक्स है उसको ϕ2, और ये जो बाहरी वाला जो सरफेस है सिलेंडर का, ये बाहरी वाला जो सरफेस है सिलेंडर का, उसके फ्लक्स को हमने कह दिया ϕ3, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ϕ1 प्लस ϕ2 प्लस ϕ3। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, तो E डॉट A1 ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ये E और A1 के बीच का एंगल 180 cos 180 माइनस 1, यानी ϕ1 हो गया माइनस E A1। निगेटिव फ्लक्स क्या बताता है कि उस रीजन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन कर रहे हैं, ठीक, और पॉजिटिव फ्लक्स कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउट हो रहे हैं, है एनीवे। अब इस रीजन के लिए फ्लक्स को अगर हम फाइ टू कहते हैं तो ये हो जाएगा E डॉट A2, अरे भाई E डॉट A2, इसको ब्रेक करो तो E A2 सेम डायरेक्शन में, कॉस जीरो, अरे भाई E और A2 सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो होगा, कॉस जीरो 1, यानी हो गया E A2, बहुत बढ़िया।
यानी फाइ टू हो गया ये पॉजिटिव फ्लक्स है ना। तो पॉजिटिव फ्लक्स क्या दिखा रहा है कि उस रीजन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और नेगेटिव फ्लक्स बताता है कि उस रीजन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर कोच आ रहे हैं। बस मतलब यही होता है, ठीक है। एनीवे अगर बाहरी जो फेस है उसके लिए फ्लक्स आपने फाइ थ्री बोला है तो फ्लक्स होगा ई डॉट ए थ्री। क्लियर? ब्रेक करोगे तो क्या होगा, अरे अच्छा ई इधर ए थ्री उधर, अच्छा एंगल 90 डिग्री, तो ई ए थ्री कॉस 90 0। तो टोटल फ्लक्स फॉर दिस सिलेंडर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री, ए फाइ वन माइनस ई ए वन, फाइ टू कितना है ई ए टू, फाइ थ्री कितना आ रहा है 0। ये कट जाएगा यार, क्योंकि ए वन और ए टू सेम होगा ना, तो कट जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स कितना होगा 0। क्लियर? एक बात, एक कंक्लूजन तक तुमको पहुंचा दूं, समझो कोई भी क्लोज सरफेस हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, अब ये क्यूब का भी प्रॉब्लम मेरे को एनसीईआरटी में दिया है, उसको भी लेना है। कोई भी क्लोज सरफेस हो, मतलब 3D सरफेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि उस क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। कब कब? सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होना चाहिए और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तब उस केस में हर हालत में क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आज के लिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा 1.15, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सीख रहे थे, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर सरफेस, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, चाहे इन कर रहे हैं चाहे आउट कर रहे हैं, उनकी जो गिनती होगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.15, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसिडर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³, ओके आई कैप। अरे यार ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड यही है, डायरेक्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, बस कुछ नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अच्छा समझो एक्स एक्सिस वाई इट्स ए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ओके ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड तुम देख रहे हो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब, एक्स एक्सिस की ओर आई कैप की ओर काम कर रहा है, और यहाँ पर कोई एक स्क्वायर रखा गया है। क्लियर? What is the flux through this square of side 10 centimeter whose plane is parallel to the yz plane? yz plane कहाँ है, yz plane, ठीक है, एक square यहाँ है y ए जेड, ये yz plane, एक square है जिसका ये square है जो yz plane के parallel है। अरे चलो यही square मान लो, चारों side equal, यही साइड लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻¹ मीटर, समझ में आ रही बात ना। तो एरिया कितना हो जाएगा यार, साइड लेंथ का होल स्क्वायर, इसका मतलब इतने का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर², ओके। तो सिचुएशन तुम समझो क्या बोल रहा है, ए वाई ए जेड, ओके,
और एक प्लेन जो है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ऐसे रखा गया, ऐसे एक प्लेन ऐसे रखा गया, स्क्वायर ऐसे रखा गया है, तो स्वाभाविक एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड। अरे यार बहुत स्पष्ट है कि ई और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, सीधे चमक रहा है, ई और ए के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए फ्लक्स होगा ई डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पर जीरो कॉस जीरो वन, यानी ई ए हो गया ई ई ई थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री ए ए ए टेन टू द पावर माइनस टू, ए हो गया 30, एक 10 हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्लॉक आंसर। ये जवाब ए पार्ट का था, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब अगला सिचुएशन में ये कह रहा है कि इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर रोटेट कर देना है, यही स्क्वायर है, बड़ा बन गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया, समझो सिचुएशन समझो, यही ये स्क्वायर था, पहले ऐसे था ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा गया था, इस बार इसको ऐसे कर दिया, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो स्वाभाविक है कि ई और ए के बीच का एंगल अब कितना हो गया 30 डिग्री। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री रोटेट कर दिया, इसका मतलब ई और ए के बीच का एंगल अब सेकेंड पार्ट के लिए बी पार्ट के लिए थीटा का मान कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो अब कह रहे हैं फ्लक्स कितना होगा, एरिया तो वही रहेगा, केवल आपने बस पहले यू था यू कर दिया है, यानी अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, यानी थीटा मतलब कितना 30 डिग्री से रोटेट करना था कि 60 डिग्री से, आई थिंक 60 डिग्री से रोटेट करना है, 60 डिग्री से रोटेट करना है, ठीक है। ई ए कॉस थीटा मीन्स 60, कॉस 60 1/2, ठीक है, ए वन बाई टू, ठीक है, तो ए हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसका मतलब अब कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, 15। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 15 आने का मतलब क्या है कि अब इस स्क्वायर से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, 15, पहले कितने क्रॉस कर रहे थे 30। जैसे जैसे इसको ऐसे लाएंगे फ्लक्स वैल्यू घटेगा, अगर इसको ऐसे कर देते तब उस केस में कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग सीख रहे थे एरिया वेक्टर क्यों माना जाता है, साथ में ये भी सीख रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी पर्टिकुलर रीजन से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करते हैं। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग गॉस लॉ के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस का जो लॉ है बहुत फंडामेंटल लॉ माना जाता है, मींस पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का गॉस लॉ जो है पूरा रीढ़ की हड्डी की तरह है, यानी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है गॉस लॉ पे टिका हुआ है, बहुत अहम लॉ और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सीखेंगे, और गॉस लॉ की मदद से हम लोग मेनली अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किस प्रकार से गॉस लॉ की जानकारी होने पर सुविधा प्राप्त होता है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं पर हम लोग वीडियो को रोकेंगे, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो को लिए, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।